थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द डे 3 ऑफ समर कैंप। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज समर फन विद नंबर्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में तो ये आता है कि नंबर्स के साथ कैसा फन, वो भी समर डेज में, वो भी हॉलीडेज में, क्योंकि हम मैथ्स को एक स्ट्रेस लेकर चलते हैं, इसलिए हमें उसमें कहीं फन नहीं दिखता। नंबर्स में तो बिल्कुल फन नहीं दिखता, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, आप नंबर के साथ भी फन कर सकते हैं। ये मैं आज आपको एट द एंड एक जो है लाइव कर भी बताऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा मैथमेटिक्स से। आप सभी लोग, आजकल तो टाइम ऐसा है हर चीज का जो है एक डे होता है, जैसे अभी योगा डे हुआ 21 को, सभी ने सेलिब्रेट किया, हम पूरे स्कूल ने। उसके बाद फादर डे, मदर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, योगा डे, फ्रेंडशिप डे, फ्लावर डे, वैलेंटाइन डे, और उसके बाद वुमेन्स डे, हर टाइप के जो है डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसे ही यूनेस्को जो है वो भी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करता है। अब वो कौन सी डेट को होता है ये थोड़ा सा आपको गेस करना है, अगर किसी को पता है तो वो मेरे को चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकता है। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस। आई थिंक किसी ने भी नहीं भेजा, किसी को नहीं पता। ओके, चलो आई एम गिविंग यू सम गैसेस, मैं कुछ हिंट देता हूं, यू हैव टू मेक द गैसेस। ओके, आयुष जैन, नो 4 मार्च इज नॉट द डे। चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, आपको उस हिंट से गैस करना है। मैंने आपको बताया सभी लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, सभी को पता है कब होता है वो, 14 फेब को। उसके बाद वुमन डे 8 मार्च को। इन दोनों में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, इन दोनों के कहीं कॉम्बिनेशन में हमारा आंसर है। नाउ यू कैन गेस, नवंबर किसी ने आंसर किया है, रॉन्ग है। यस, नाउ आई हैव गिवन द हिंट, यू कैन गेस। नो आंसर, ओके। चलो मैं बताता हूं आपको हिंट से। पहला हिंट दिया मैंने आपको वैलेंटाइन डे जो होता है 14 फेब, और उसके बाद मैंने आपको दिया वुमन डे 8 मार्च। अभी इसका 14 और इसका मार्च, तो जो हमारा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे है दैट इज ऑन 14 मार्च एवरी ईयर। अभी यूनेस्को जो है इसको एवरी डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करता है, और इसके लिए यूनेस्को का जो थीम है मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। This is the theme of UNESCO to celebrate mathematics. Mathematics everywhere. अभी मैं थोड़ा इसका पेन का स्टाइल जो है चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा ये ब्रोकन सा दिख रहा है पेन, इसको मैं ठीक कर देता हूं। हाँ जी, अभी आप सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। हमारी डे टू डे लाइफ में
मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, उनसे आपको समझ लगेगा। अगर हम बात करें बेकिंग, अभी आज का टाइम ऐसा है, मैं कई लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, तो वो लोग बताते हैं कि हमने घर में केक बनाया, हमने घर में पुडिंग बनाई, ठीक है, तो केक बेक किया, कुकीज़ बनाई, ठीक है। एक स्टूडेंट तो बोल रहा था, जब मेरे को भूख लगती है, मैं मम्मा का वेट नहीं करता हूँ, मैं तो बेकिंग कर लेता हूँ, कुछ भी केक वगैरह कुकीज़ बना लेता हूँ। तो बेकिंग जो है वो एक मैथमेटिकल है, बेकिंग इज मैथमेटिकल, बेकिंग इज मैथमेटिकल। अब वो मैथमेटिकल कैसा कैसे है, अभी आप ये मत सोचना कि सर बोर कर रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए। वेट डियर, वो टाइम भी आएगा जब आप फन करोगे। मैथमेटिक्स इज बेकिंग इज मैथमेटिकल। अब ये मैथमेटिकल कैसे है, टू मेक परफेक्ट शुगर कुकीज यू हैव टू यूज मैथमेटिक्स, टू मेक परफेक्ट शुगर कुकीज वी हैव टू यूज मैथ्स। इन विच सेंस, वी फॉलो द रूल 3:1, 3:2:1। दिस 3 स्टैंड फॉर 3 पार्ट्स ऑफ फ्लो। टू पार्ट्स ऑफ फैट, जिसे हम घी वगैरह डालते हैं, एंड 1 पार्ट ऑफ शुगर। One part of sugar. तो ये रूल है, अगर आप इसी रेशो में ये इंग्रेडिएंट्स लोगे तभी आप जो है परफेक्ट शुगर कुकीज बना सकते हो। अगर आपने कहीं मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी इस रेशो के अंदर, देन यू विल नॉट बी ए परफेक्ट बेकर, रादर यू विल बी बैड बेकर। आपने सुना होगा चंडीगढ़ में एक बड़ा मशहूर बेकर है, निक बेकर्स, तो फिर आपके साथ टैग लग जाएगा बैड बेकर्स का। तो मैथमेटिक्स का ये रोल है आपकी लाइफ में। आपको कोई भी काम करना है, इंसान का जो मोस्ट मेमोरेबल या अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट होता है लाइफ का, मैरिज। आपको पता है मैरिज के टाइम में ना तो आप 7 से कम फेरे ले सकते हो, ना 7 से ज्यादा ले सकते हो, परफेक्ट 7। तो मैथमेटिक्स सब जगह इन्वॉल्व है हमारी लाइफ के अंदर। अभी मैं आपको कुछ पहले मैथमेटिक्स के अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहला फैक्ट जो है वो ये है कि 0 जो है वो एक ऐसा नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, जो 0 है, 0 को हम रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको 0 की वैल्यू तो पता है सबको, हीरो जीरो फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, मैं बता देता हूँ हीरो जीरो फॉर्मूला। ये तो अब मेरी फिल्मों में भी आता है, हीरो जीरो फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला कि मान लो आपके पास एक नंबर है 1, मैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर ले लेता हूँ 1, अगर तो मैं इसके आगे 0 डाल दूंगा तो मैं 0 ही हूँ, अकेला ही हूँ, 1 हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके राइट में 0 डाल दूंगा तो ये वैल्यू बढ़ गई है, अगर इसके आगे और एक 0 डाल दूंगा तो ये वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड हीरो जीरो फॉर्मूला। तो 0 का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन 0 एक ऐसा न्यूमरल है जो कि रोमन न्यूमरल्स में नहीं आता, उसको हम रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 0 के बारे में दूसरा फैक्ट ये है कि यू कांट डिवाइड एनी नंबर विद 0,
डिवीजन विद जीरो इज नॉट पॉसिबल, जीरो इज नॉट पॉसिबल. आप किसी भी नंबर को कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है. अभी भी इसको कोई जो है रहस्य को सुलझा नहीं पाया है. नेक्स्ट, जीरो के बारे में पहले आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ. जीरो को हम इवन नंबर कंसिडर करते हैं, हालांकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, नो वैल्यू, बट जीरो इज कंसिडर्ड एज एन इवन नंबर. तो जीरो को हम एक इवन नंबर मानते हैं. नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं है हर नंबर का, लेकिन जीरो का रेसिप्रोकल नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने लिखा जीरो, इसको मैं 0.1 लिख दूंगा, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा. और मैंने अभी आपको थर्ड फैक्ट में बताया है कि हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी जीरो का रेसिप्रोकल नहीं हम फाइंड आउट कर सकते. अभी मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ डे टू डे लाइफ का. सभी लोग पिज्ज़ा लाइक करते हैं, आजकल ट्रेंडी है पिज्ज़ा. जब तक पिज्ज़ा नहीं खाएंगे तो बच्चों का गुजारा नहीं होता. डोमिनोज बड़ा मशहूर है इस मामले में. तो अगर हम एक ऑर्डिनरी पिज्ज़ा की बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. हाँ जी, ये हमारे पास एक पिज्जा है मान लो, और आपको इसका रेडियस पता है. सपोज करिए इसका जो रेडियस है वो है जेड, और इसकी हाइट आपको पता है ना, इसके हाइट होती है, पिज्जा की मोटाई होती है, जिसे हम मोटाई बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइट. और हाइट है इसकी ए, और आपको पता है कि जो पिज्जा की शेप होती है उसे हम सिलेंड्रिकल मानते हैं. अगर आप सिलेंड्रिकली इसका वॉल्यूम निकालना स्टार्ट कर दो, पाई आर स्क्वायर एच. अब पाई को अगर मैं स्पेल करूंगा तो पी आई लिखूंगा, और आर क्या है हमारा, आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है हमारे यहाँ पे, जेड. फिर जेड क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैंने दो बार लिखा है. फिर उसके बाद क्या है, हाइट ए. तो आप देख लो यही पिज्जा के स्पेलिंग होते हैं. तो कैसे पिज्जा जो है वो मैथमेटिक्स से रिलेट कर गया. तो बहुत सारी ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, तो उसके लिए पूरा एक सेशन ही चाहिए जिसमें हम जो है मैथमेटिक्स को रिलेट करते रहे अपनी डे टू डे लाइफ के साथ. लेकिन चलिए हम बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ. जो अगला फैक्ट है वो ये है, आपने अभी सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो बात करती है, पर्टिकुलरली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक जो है वो गेन करना चाहता है. सबने सुना होगा मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, ट्रिलियन क्या होता है. मोस्टली लोगों को ट्रिलियन तक ही पता होता है, उसके आगे भी नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं. मैं कुछ लिख देता हूँ. पहला है क्वाड्रिलियन, नेक्स्ट क्वांटिलियन, बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं लिख पाऊंगा. सेक्टिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉनटिलियन, डेसिलियन, अनडेसिलियन. ये सारे नंबर जो हैं, यानी कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसका एंड कहीं नहीं होगा. जो नेक्स्ट फैक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. आपको पता नहीं होगा कि जो नंबर 9 है उसको हम एक मैजिकल नंबर मानते हैं. नंबर 9 इज बिलीव टू बी मैजिकल नंबर इन मैथमेटिक्स. ऐसा क्यों? इट हैज ए वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं 9 की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ. ये हमारा फैक्ट नंबर 4 है. 9 की प्रॉपर्टी ये है कि इफ वी मल्टीप्लाई, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर
विद नाइन। अगर हम किसी नंबर को नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं, द सम वुड ऑलवेज बी द सम ऑफ डिजिट्स वुड ऑलवेज बी नाइन। सम हमेशा नाइन आएगा। कैसे? आपको पता है 2 × 9 = 18 होता है। अगर आप 1 और 8 का टोटल करोगे, ये 9 आएगा। 3 × 9 = 27 होता है। आप 2 और 7 का टोटल करोगे, ये भी 9 आएगा। 4 × 9 = 36 होता है। अगर आप इसका टोटल करोगे, ये भी 9 होता है। 5 और 9 = 45 होता है। इसका टोटल भी 9 आ गया। चलिए मैं और बड़े नंबर लेकर बता देता हूँ। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 117 होता है। अगर आप इनका टोटल करोगे, 1 + 1 = 2 + 7 = 9। आप जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो, अगर आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो, यू विल ऑलवेज गेट द सम ऑफ द डिजिट एज 9। हमेशा ही आपका जो डिजिट का सम है वो 9 आएगा। ये बड़ा, इसीलिए इसको जो है मैजिकल नंबर बोला जाता है मैथमेटिक्स में। दिस इज ए मैजिकल नंबर। नेक्स्ट, आपने नंबर 1 के बारे में सुना होगा। नंबर 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है, ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। अब कुछ लोगों को प्राइम और कॉम्पोजिट का नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देता हूँ। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। देखिए, हमारे मैथमेटिक्स में या तो नंबर इवन होता है या ऑड होता है, ये सबको पता है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो गया वो इवन, जो 2 से डिवाइड हुआ वो इवन नहीं है, वो ऑड है। ऐसे ही हमारे मैथमेटिक्स के अंदर प्राइम और कॉम्पोजिट है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर की कुछ मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे नंबर प्राइम है। इसकी मतलब पहले 100 नंबर्स में तो 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ऐसे ही कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कॉम्पोजिट होंगे। अगर आप 3 चेक करो, 3 और 5 के बीच में 4 आता है, तो 4 फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है। 5 और 7 के बीच में 6 आता है, 6 फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है। 7 और 11 के बीच में 8, 9, 10 आता है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो या नंबर हमारा कॉम्पोजिट होता है या हमारा नंबर प्राइम होता है। लेकिन 1 एक ऐसा स्पेशल नंबर है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो स्पेशल कैटेगरी में आता है। अब कैसे आप कहोगे स्पेशल कैटेगरी क्या है? अब आपने देखा होगा कि या तो बंदा जेंट्स होता है या लेडी होती है, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी भी होती है जो ताड़ी बजाने वाली होती है। तो वैसे ही 1 को भी एक स्पेशल कैटेगरी बोली हुई है। मैं सोचना कि ताड़ी बजाने वालों से रिलेट करना है इसको, मैंने वैसे आपको बताया फन के लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करें नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारा, हमारे जो है प्राइम नंबर से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर लिखे हैं। अगर आप इन प्राइम नंबर्स को ध्यान से देखो, सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, सारे प्राइम नंबर ऑड हैं, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इस दुनिया का एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे नंबर जो है ऑड है प्राइम नंबर। अब उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये है कि अगर लोगों से ये पूछा जाए कि उनका मोस्ट पॉपुलर फेवरेट नंबर कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर फेवरेट नंबर, एनी गैसेस, कोई गैस कर सकता है? मैंने हिंट भी दे दिया आपको, जहां पे मैंने फैक्ट लिखा वहां पे मैंने हिंट भी दिया हुआ है। मैंने जानबूझकर इसको फैक्ट को इसी नंबर पे लिखा है। हाँ जी, कोई गैस है? नहीं, नो गैस। हाँ जी,
मैंने यहां पे देखो नंबर सेवन पे लिखा है इसको। सेवन ऐसा नंबर है जो मोस्ट पॉपुलर फेवरेट नंबर माना जाता है। अगर आप 100 लोगों को उनका फेवरेट नंबर पूछोगे तो उसमें से 80-90% लोग जो है वो सेवन को अपना फेवरेट नंबर बोलेंगे। सो मोस्ट पॉपुलर फेवरेट नंबर इज सेवन। द नेक्स्ट फैक्ट इज मोस्ट पॉपुलर टू डिजिट फेवरेट नंबर, टू डिजिट, दो डिजिट वाला कौन सा है? टू डिजिट फेवरेट नंबर, तो वो है 13। हालांकि अंग्रेजों ने इस कंट्री पे राज किया है, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आपको पता होगा कि जो अंग्रेज लोग हैं वो 13 को जो है अच्छा नंबर नहीं मांगते, शुभ नहीं माना जाता है इसको। चंडीगढ़ में 13 नंबर का कोई सेक्टर नहीं है, पंचकुला में 13 नंबर का कोई सेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो ली कार्बुजे ने डेवलप किया था, जो कि अंग्रेज था। लेकिन फिर भी अगर आप पूछोगे लोगों से कि आप अपना फेवरेट नंबर बताओ टू डिजिट का, तो ज्यादातर लोग जो है वो 13 को वोट करते हैं। इसलिए 13 जो है वो टू डिजिट में जो है फेवरेट नंबर माना जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फैक्ट यहीं से स्टार्ट होता है। हाउ मैनी डेज ए नॉन लीप ईयर हैज, एक नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, यू कैन आंसर थ्रू चैट बॉक्स। नो आंसर, लेट मी वेट फॉर वन मिनट। ये तो सबको पता होना चाहिए, एक साल में नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, एक ऑर्डिनरी जो नॉन लीप ईयर होता है, ये तो पता होना चाहिए। ये तो फर्स्ट सेकंड से बता देते हैं। कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहा है। चलिए जी, ये माना जाता है कि एक नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, बट इनफैक्ट ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एक नॉन लीप ईयर में 365 होल 1/4 डेज होते हैं। ये जो 1/4 है यही एक्यूमुलेट होकर फिर जाकर 366 डेज जो है वो लीप ईयर का बनता है। तो इनफैक्ट ए नॉन लीपर हैज 365 होल 1/4 डेज। नेक्स्ट, नंबर वन एंड माइनस वन हैज आर इट्स ओन रेसिप्रोकल। दुनिया में दो ही नंबर ऐसे हैं जो खुद के रेसिप्रोकल हैं, वो है माइनस वन एंड वन। रेसिप्रोकल आप सब लोगों को आइडिया होगा, फिर मैं बता देता हूं। जैसे 2/1 है, यानी टू सिंपल, उसका रेसिप्रोकल होता है 1/2। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। तो अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे वो भी 1 आएगा, और माइनस 1 का रेसिप्रोकल करोगे वो भी माइनस 1 आएगा। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि अपने ही रेसिप्रोकल हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर को मेजर करने के दो जो है मेथड्स हैं। एक तो हमारी कंट्री में चलता है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, जो कि यूएसए कनाडा वगैरह में चलता है, या साइंटिफिकली हम इसको यूज़ करते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू 9/5 C+32। अगर आपने डिग्री 2 फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर आपने फ़ारेनहाइट टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें भी एक फैक्ट छुपा हुआ है, वो फैक्ट ये है कि 40 एक ऐसी वैल्यू है जो न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट में और डिग्री में सेम होती है। अगर आप 40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो 40 फ़ारेनहाइट आएगा, और अगर आप 40 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करोगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये मैं न्यूमेरिकली बोल रहा हूँ, प्लस माइनस इसमें आप अपने साथ लगा सकते हो, उसका मतलब होता है प्लस और माइनस को हटाकर वैल्यू बोली जा रही है।
नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारा वो थोड़ा हमारे अल्फाबेट से रिलेटेड है. एवरी ऑड नंबर हैज ई इन इट. अगर आप बात करो ऑड नंबर की, पहला ऑड नंबर है वन, आप देख सकते हो वन के अंदर ई आ रहा है. नेक्स्ट है थ्री, थ्री में भी ई आ रहा है. फाइव, उसमें भी ई आ रहा है. सेवन, उसमें भी ई आएगा. ऐसे नाइन, नाइन में भी ई आएगा. इलेवन, थर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, किसी को भी आप स्पेल आउट करोगे ऑड नंबर को, हमेशा उसमें ई मिलेगा ही मिलेगा आपको, उसके स्पेलिंग में ई होता ही होता है. नेक्स्ट, ये हमारा जो है अल्फाबेट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है. फ्रॉम जीरो टू थाउजेंड, फ्रॉम जीरो टू थाउजेंड द ओनली नंबर दैट हैज लेटर ए इन इट इज थाउजेंड. अगर आप वन से लेकर ट्रिपल नाइन तक नंबर्स को स्पेल करना स्टार्ट करो, उनके स्पेलिंग लिखने स्टार्ट कर दो, किसी में भी ए नहीं आएगा. आपको मैंने कुछ एग्जांपल ऊपर दिए हुए हैं, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, आप ऐसे और नंबर्स को स्पेल कर लो. टू को कर लो टी डब्ल्यू ओ, फाइव को, फोर को कर लो एफ ओ यू आर. तो सबसे पहला जो ऐसा नंबर जिसमें जिसके स्पेलिंग में ए आएगा वो थाउजेंड है. यहाँ पे देख लो आप, थाउजेंड में ए आ रहा है. तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताए. अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप लोग एडिशन को इजीली कर पाओगे और आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो. तो वो आपने रेडी रहना है आंसर करने के लिए. अभी मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उससे आपने क्वेश्चन जो है उनका आंसर करना है. तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने ही ट्राई करने हैं. हाँ जी, पहले मैं आपको एडिशन का बताता हूँ. सिंपल जो है टू थ्री डिजिट की हम एडिशन कैसे कर सकते हैं. अगर मान लो आपको 68 और 55 को ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, ये 6 और 5 को ऐड कर लेना है, 11 आएगा. और फिर उसके साथ जीरो लगा देनी है. और फिर आपने ये वाले नंबर ऐड करने हैं, 8 और 5 13. यू विल गेट योर आंसर 123. दोबारा से सुन लो, जो नंबर 10 डिजिट पे हैं यानी फर्स्ट प्लेस में है लेफ्ट साइड से, आपने उनको ऐड करना है और साथ में जीरो खुद से लगा देनी है. और फिर लास्ट वाले नंबर्स को ऐड करना है और उनको जो है फर्स्ट वाले नंबर में ऐड कर देना है 110 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 123. ऐसे में कुछ आपको क्वेश्चन पूछूंगा. अभी एक मैं और करके दिखा देता हूँ. 23 प्लस 47, 46 ले लेते हैं. अभी 2 प्लस 4 को ऐड करना है आपने, 6, साथ में जीरो लगा देनी है. 6, 3 और 6 को ऐड करना है 9, यू विल गेट 69. बजाय आप इनको ऐड करना सीखो, उलझ जाते हो, आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हो, आप सोचते हो 23 प्लस 46 क्या होगा, फिर आप करते हो उसमें आप गलती कर देते हो. तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है. आपको फर्स्ट डिजिट उठाने हैं 2 एंड 4, उनको ऐड करना है, उनके साथ जीरो लगानी है, फिर लास्ट के डिजिट ऐड करने हैं और पहले वाले नंबर में ऐड कर देने हैं. तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, आप देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं. तो आप लोगों ने आंसर करना है, विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आने चाहिए. अभी मैं स्लो कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज जल्दी जल्दी आंसर करना है. 87 प्लस 42, मैं अपना चैट बॉक्स ओपन ही रखता हूँ.
आंसर नहीं आ रहे भी आप लोगों के। हाँ जी, अभी आया फर्स्ट आंसर। कैलकुलेटर से नहीं करना आपने, आपने इसको नोटबुक में करके नहीं देखना, आपने खुद से आंसर करना है। हाँ जी, आंसर नहीं आ रहे हैं। आप भी सर प्लीज चेक इन न्यू। हाँ जी, न्यू पब्लिश वाले में आएगा मैम। नो सर, इन न्यू न्यू, जस्ट क्लिक ऑन न्यू एंड यू स्क्रॉल डाउन करके मैं देख रहा हूँ तो आ नहीं रहा इसमें। विच इज द फर्स्ट टैब ना, न्यू टैब, देयर आर लॉट ऑफ आंसर्स। अभी दिख रहे हैं लेकिन। हाँ जी, सही, पहले वाले के भी आए थे, मेरे को पता ही नहीं चला। आ रहे हैं आंसर तो, लेकिन मेरे को भी अभी दिखने स्टार्ट हुए हैं। हाँ जी, लोगों ने भेजे हैं आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स ने। तो इसका जो है, हाँ जी, 87 और 42 का आंसर 129, काफी लोगों ने आंसर सही भेजा है, गुड। नेक्स्ट है 34 प्लस 25। ऑलमोस्ट सारे स्कूल का ही आया है आंसर तो, गुड, अच्छी कैलकुलेशन है आप लोगों की, वेरी गुड। फिफ्टी नाइन इज द करेक्ट आंसर, काफी लोगों ने आए, दिव्यांश भारद्वाज, दीजन शर्मा, गुड। हाँ जी, सभी लोगों के मैं नाम नहीं ले पाऊंगा अभी, तो 59 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 प्लस 43, 23 प्लस 43। चलिए, इसमें काम मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ क्वेश्चन ना, इसमें काफी ज्यादा जो है टाइम लग रहा है मेरे, मतलब काफी ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो उसको स्क्रॉल डाउन करने में बड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ क्वेश्चन, ये फिर दोबारा से ऊपर चला जाता है। हाँ जी, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना इनको जल्दी जल्दी से करना है, करने की बड़े नंबर देता हूँ। 92 प्लस 87, 60 प्लस 50, ये तो सिंपल नंबर है, 60 प्लस 50, 79 प्लस 22, 67 प्लस 36, 19 प्लस 52, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन भी मैं आपको एक बार भी बता देता हूँ,
68 माइनस 55, सब्ट्रैक्शन भी आपने ऐसे ही करनी है, 6 माइनस 5 1, और फिर इसको साथ में जीरो लगानी है, और 8 माइनस 5 3, यू विल गेट 13। ठीक है, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। 46 माइनस 23, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 0 ये आ जाएगा, और 6 माइनस 3 3, यू विल गेट 23। चलिए, ये तो आप जो मैंने आपको एडिशन के क्वेश्चन दिए हैं उसी में आप सब्ट्रैक्शन वाले भी कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आप विद इन सेकेंड बड़े बड़े नंबर्स, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस आपको जो है ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं एक पैटर्न लिख रहा हूँ, 72 प्लस 73 प्लस 74 प्लस 75 76 77 78 79 80 एंड 81। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो, चलो वो बाद में देखना, पहले तो मैं इसका टोटल बता देता हूँ। 765 इसका टोटल आएगा, 765 विल बी इट्स टोटल। हाँ जी, कैसे मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेट किया है वो देखो, मैं बताता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि नंबर आपके 10 होने चाहिए, 1 to 10। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए, कंजेक्टिव नंबर होने चाहिए, 72, 73, 74, 75, 76 सारे कंजेक्टिव नंबर होने चाहिए। तो क्या ट्रिक है कि जो फर्स्ट नंबर है उसमें आपने 4 ऐड करना है और फिर उसके साथ 5 अपने आप से लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग थोड़ा है, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, एडिशन तो आप करते रहते हो। 51, 52, 53 एंड सो ऑन टू 60, 60 तक हमें टोटलिंग करनी है। तो बताइए आंसर्स। हाँ जी, कुछ लोगों के आंसर तो आए हैं। हाँ जी, काफी लोगों ने ठीक किया आंसर। ट्रिपल फाइव इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हो। चलिए मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको, काफी लोगों के आंसर सही है। नेक्स्ट है 84, छोटा नंबर ले लेता हूँ पहले प्रैक्टिस के लिए। 24, 25, 26, 27 एंड सो ऑन टू 33। नंबर आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए और 10 होने चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा 285 आ जाएगा, आप चेक कर लो उसको। नेक्स्ट और एक मैं देता हूं, 62, 63, 64 प्लस सोन प्लस 71, तो इसका जो आंसर आएगा 665 आ जाएगा। नेक्स्ट बड़ा नंबर देता हूं, 884, 885, 886 एंड सोन टू 893 तक, इसका जो आंसर आएगा
8885 ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अभी मैंने आपको ऊपर टू डिजिट का टोटल करना बताया, अभी मैं आपको एक बार थ्री डिजिट का भी बता देता हूं। मान लो थ्री डिजिट में क्या होगा, आपको 172 और आपको ऐड करना है 167 को। आपने क्या करना है, जो पहले वाले नंबर्स हैं एक्सट्रीम लेफ्ट वाले उनको ऐड करना है और उसके साथ दो जीरोस प्लेस कर देनी है। फिर उसके बाद वाले जो नंबर हैं सेवन और जो मिडिल प्लेस पे हैं उनको ऐड करना है और उसके साथ सिंगल जीरो लगानी है और फिर लास्ट में नंबर ऐड कर देना है। तो आपको 200 और 130 की इजीली पता चल जाएगी, प्लस 9339 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये तो उतना ही टाइम लग रहा है जितना हम एक नॉर्मल एडिशन में लेते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस की फिर आप अपने माइंड में इनकी कैलकुलेशन कर पाओगे। अभी क्या है कि हम लोग माइंड में कर लेते हैं, ये लिख तो मैं आपके लिए रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए, अदरवाइज इनकी कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है। तो जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी माइंड में ही कैलकुलेशन कर पाओगे, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट 135 प्लस 217, आपने क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट वालों का टोटल किया उसके साथ दो जीरो लगा दी, 1+2 तो 3 हो गया, 3 का दो जीरो लगा दी, फिर मिडल वालों का टोटल किया उसके साथ एक जीरो लगा दी और फिर लास्ट वालों का टोटल किया, तो ये बन जाएगा 352। इसी तरीके से और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, 289 प्लस 172, अगर इसको कैलकुलेट करना है पहले 2+1 3 300 हो गया, 8+7 50 उसके साथ एक जीरो लगा दी और ये हो गया आपका 450 में आपने ऐड कर देना 11461 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आप कर सकते हो, 399 प्लस 72 को करना है। अब यहाँ पे 72 आ गया, ये एक थ्री डिजिट है टू डिजिट है, तो पहले आप जीरो प्लेस कर लो उसके साथ, 3+0 3 300 हो गया, फिर 9+7 16 उसके साथ जीरो लगा दी, फिर 9+2 11 तो ये बन जाएगा 460 प्लस 11 470 बार आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 329 प्लस 72 कर लो, ऐसे और मैं नंबर देता हूँ 543 प्लस 725, तो ये आप कुछ नंबर जो है और ट्राई कर सकते हो। एक और देता हूँ 399 प्लस 78 लिख लो, तो आपने इनको ट्राई करना है अपने एंड पे, ठीक है जी। कुछ और नंबर्स भी आपने अपने पास से लेकर उनको सिलेक्ट करना है। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर एडिशन करनी बताई है नेचुरल नंबर की, कि अगर 10 कंजेक्टिव नेचुरल नंबर होने चाहिए तो वो कैसे आप उनको ऐड कर सकते हो, ऐसे ही अगर आप 100 नेचुरल नंबर को का एडिशन लेना चाहते हो, मान लो ये 100 तक आपने इनको ऐड करना है, पहले 100 नेचुरल नंबर को, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 100 पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है इसका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा 50, तो ये आ जाएगा 5050। ये कैसे करना है आपको, जैसे मान लो आपको पहले 10 नेचुरल नंबर का टोटल लेना है या 20 का लेना है, 20 तक कर लेते हैं, तो आपने एक बारी तो 20 लिख देना है, एक बारी उसमें 1 इंक्रीज करना है और फिर आपने 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, यू विल गेट आंसर 210। ऐसे मान लो आपको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एडिशन लेना है तो आप विद इन सेकेंड कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ, लेकिन ये जो शॉर्टकट होते हैं इनकी भी आपको एक बारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने 50 लिखना है, 50 में 1 इंक्रीज करना है, अपॉन 2 करना है, 25 आ जाएगा, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 1255 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है नेचुरल नंबर का एडिशन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको आपके साथ थोड़ी एक गेम खेलते हैं, मैजिक ट्रिक करते हैं, तो उसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा थोड़ा, तो हालांकि थोड़ा सा ये जो है आप लोगों के आंसर जो है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए जी, कैसे करना है ये मैजिक ट्रिक, क्या है इसमें, कल मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा और मैं ये मैजिक ट्रिक आज आपको करके बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया है।
थोड़ा मैं स्क्रीन को जो है और ये 13 है हाँ जी। आपको कोई भी एक नंबर जो है सोचना है अपने मन में, मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता इनमें से। यस सर, विद आयुष ओनली। आयुष को से कर सकते हैं सर। आयुष मेरे को नंबर सोच के बता देगा। मैं एक दो आप भी कर सकते हो। आयुष आपको 1 to 15 कोई नंबर सोचना है? सर सोच लिया। आप देखो फर्स्ट कॉलम में है। यस सर। सेकंड में है। एक मिनट वेट कर, जरा एक मिनट वेट करना। हाँ जी सेकंड में है। फर्स्ट में है? यस सर। सेकंड में है? यस सर। थर्ड में? यस सर। फोर्थ में? नहीं, नो सर। 8 नंबर सोचा आपने? नो सर, 7। फिर आप कुछ गलत कर रहे हो जब मैंने कुछ गलत लिख दिया है। वेट ए मिनट। नहीं सर, आपने सम गलत लिखा है। ओहो, सम गलत लिखा है। 8 नहीं 7 आना था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट। हाँ जी मैम, आप सोचिए कोई नंबर 1 to 15। सलोनी मैम आप सोच लीजिए। यस सर। यस सर। हाँ जी फर्स्ट कॉलम में है मैम? यस। सेकंड में? नो सर। थर्ड में? नो सर। फोर्थ में? यस सर। नाइन सोचा आपने? नो सर। नाइन भी नहीं, ऐसे कैसे हो गया? 1 2 8। फर्स्ट में है? यस सर। सेकंड में? नो सर। थर्ड में? नो सर। और लास्ट वाले में? यस सर। नंबर तो 9 ही होना चाहिए। कुछ मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। मैं चेक कर लेता हूँ नंबर्स को लिखने का। हाँ मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की हुई है टेबल के अंदर ना, थोड़ा सा मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। एक मिनट बस वेट करना, मैं देख रहा हूँ उसमें क्या मिस्टेक कर दी मैंने। हाँ जी मैम दोबारा बताना नंबर। यस सर। वही? यस सर। यस सर। सेकंड में? यस सर। थर्ड में? नो नो सर। फोर्थ में? यस सर। 11 है मैम नंबर? यस सर। चलो इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये हम कर पाएंगे। अभी थोड़ा सा एक्चुअली मैं ट्रिक नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए थोड़ा सा वो नहीं है। मैं ये आपको यही एक्टिविटी कल नीम के साथ भी करके बताऊंगा कि आपने कैसे नीम को गैस करना है। आप लोगों ने जैसे कोई नेम गैस कर लिया तो उसको हमने कैसे जो है गैस करना है, इसका जो है मैं आपको कल बताऊंगा। और कल देखते हैं अगर कुछ और लोगों से भी इंटरेक्ट कर पाएंगे तो फिर इसका जो मैं आपको सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे हम ये गैस कर पाते हैं, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो नेम हो। इसको एक्टिविटी को फ्रूट के साथ भी किया जा सकता है, कलर्स के साथ भी किया जा सकता है, बहुत सारे इसके मेथड हैं, तो वो मैं आपको कल शेयर करूंगा। अभी चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। कल मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा
अभी जो है मैं आपको एक स्क्वेयर्स का बता देता हूँ। अगर आपको पहले स्क्वेयर्स जो है उनका टोटलिंग करना है, मान लो 10 स्क्वेयर तक करना है आपको, स्क्वेयर नंबर्स की जो है टोटलिंग करनी है, तो n n प्लस वन कैसे कर पाएंगे वो मैं पहले आपको आंसर निकाल के बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। मैं पहले आपको शॉर्टकट बताने लग गया था। हाँ जी, तो कैसे होगा ये, डबल वन डबल फाइव इसका आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट कैसे अप्लाई होता है, आप कितने मर्जी नंबर ले सकते हो, 1 to चाहे 50 तक ले लो, लेकिन ये है कि जितने नंबर लोगे उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है आपकी लेंथी हो जाएगी। तो कैसे होगा वो मेथड ये है कि जो भी आपने नंबर लास्ट नंबर है उसको लिखना है और उसमें आपने 1 ऐड करना है, फिर उसको डबल करके 1 ऐड करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और लास्ट में उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा हमारा 1155। ऐसे ही आप क्यूब का भी कर सकते हो। क्यूब के लिए क्या मेथड है, मान लो क्यूब आपको करना है 1 cube 2 cube 3 cube प्लस सोन, मान लो 10 cube तक ही करना है आपको। हाँ जी, इसका क्या है मेथड, इसमें थोड़ा एक्चुअली में ट्रिक ये कल ज्यादा बेटर आपको समझ आएगी, क्योंकि कल मैं आपको जो है स्केयर्स और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता दूंगा शॉर्टकट्स, तो उसमें ज्यादा आपको बेटर आएगा, समझ आएगा। इसका मेथड यही है कि जो आपने ऊपर लगाया है नेचुरल नंबर का सम हमने किया था, पहले नंबर लिखा फिर 1 इंक्रीज कर लिया फिर अपॉन 2, ये करने के बाद जैसे उसका स्क्वेयर करना है, ये बन जाएगा 55 का स्क्वेयर। 55 का स्क्वेयर जो होता है वो 3025 होता है। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि इन 10 नंबर का क्यूब जो है वो 3025 ही होगा। तो इनके इन नंबर्स की आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको कुछ नंबर लिख देता हूँ, तो आपने 1 to 20 जो है नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है, फिर उनके स्क्वेयर का सम फाइंड आउट करना है, फिर उनके क्यूब का सम फाइंड आउट करना है। ये आप अपने एंड पे ट्राई करना, और ऐसे ही आप इन नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो, 30 तक भी कर सकते हो, 40 तक भी कर सकते हो, 50 तक भी कर सकते हो, ठीक है, 100, 1000, बस कैलकुलेशन उतनी ही आपकी लेंथी हो जाएगी। चलिए अभी एक और आपसे मैं पूछता हूँ। मान लो कि आपको ये बोला जाए कि आपको 9 को यूज करना है, यूज 9 5 टाइम्स, उसको 5 टाइम यूज करना है आपने 9 को, और टू गेट 10, इससे आपको 10 लेके आना है। 9 को 5 टाइम यूज करना है और 10 लेके आना है। कैसे हम कर सकते हैं इसको, मैं 2 मेथड आपको इसके बता देता हूं। इसको आप लिख सकते हो 9 whole 99 प्लस डाल लो बीच में 9 प्लस 9 प्लस 99 अपॉन 99। अगर आप इसको देखो, 5 बारी जो 9 जो है हमने 5 टाइम यूज किया, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये बन जाएगा 1 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। ऐसी एक और मेथड है, अगर आप लिखते हो यहाँ पे 999, या एक और भी मेथड है, 3 मेथड है वैसे इसके, मैं आपको पहले ये वाला बता देता हूँ, 9 प्लस 99 रेज टू पावर 9 माइनस 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 99 रेज टू पावर 0, और ये बन जाएगा 9 प्लस 1 10 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आज हम यहीं तक करेंगे। कल बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल जो है
हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई के बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि कल मैं आपको रिवील करूंगा और कल हम जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अभी के लिए आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है, आपको जिसमें मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स सिखाई जाएंगे। ठीक है मैम, मैं बाइंड अप कर दूं सेशन को। यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।